हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। सो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और सताक्षी बाकी सब लोग दूसरे रूम में गए क्योंकि आदू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, रात को फीवर हो गया उसे। तो प्लान था अभी सुबह हमारा सुबह जल्दी जाने का 7:30 बजे, बट क्योंकि अभी इसको फीवर है तो अभी हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद जाएंगे। बट बाकी मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। तो ये है होटल से व्यू हमारे रूम से बेसिकली, और बादल अभी है, काफी क्लाउडी है बट मौसम काफी ठंडा सा है यहाँ पे। खाना तो अभी जाएंगे यहाँ पे, कल रात तो जा नहीं पाए थे क्योंकि जब तक हम आए थे तब तक पूल बंद हो गया था। तो हमने डिनर किया रात को और डिनर के बाद बस रूम में आए, बैठे, थोड़ी बातें करी और फिर हम सो गए थे। तो ये अभी बस मेरे को थोड़ा सा काम करना है तो मैं काम खत्म कर लेता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद चलते हैं बाहर। आए ना जाओ। सो आदू को अभी फीवर दोबारा से हो रहा है तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट, अभी तक तो बीच नहीं जा पाए, अभी हम जा रहे हैं उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए और फिर आके फटाफट जाते हैं बीच पे। अभी वैसे ज़्यादा लेट भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ 7:30 ही बज रहे हैं तो हम लेट नहीं है, बट देखते हैं। तो हम लोग आ गए यार, तो देख के डर लग रहा है, इतना ज़्यादा पानी है। अरे डर तो नहीं लग रहा, देख सामने। बाबा आपका बेटा ब्रेव है। So, सामने वही बीच है जहाँ हम कल रात आए थे और मेडिकल शॉप केमिस्ट शॉप यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वही जा रहे हैं बस। बट आप यहाँ पे देखो कि रोड कितनी अच्छी है, देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी की रोड है। आर्यन हाँ? कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। ट्रिप पे मजा आ रहा है? हाँ बट बस अगर आदू का फीवर नहीं होता तो फिर और मजा। फीवर ठीक हो जाएगा बेटा अभी, ठीक है? ठीक है। गोल्ड बीच रिसॉर्ट, बड़ी गोवा जैसी वाइब है यहाँ की। सी रॉक आईएनएल, हाँ है ना, सारे ट्रीज भी वैसे हैं। स्पा स्पा गोल्डन ओ स्पा। और देखो अभी हम सुबह सुबह जल्दी आ गए ना तो पूरी रोड खाली है, कोई भी नहीं हमारे अलावा। मैंने भी देखा था एक आदमी था और लिखा था कि स्विमिंग पूल ओपन है। हाँ। चलेंगे स्विमिंग पूल, आज कल नहीं जा पाए, आज जरूर चलेंगे, ठीक है बेटा? हाँ। तो क्योंकि कल तो हम ज्यादा लेट हुए थे क्योंकि बहुत दूर जगह है हमसे, स्पेशली गुड़गांव से। हाँ। अगर गुड़गांव से आते तो फिर तो 5-6 घंटे लगे। आनंद लेक ट्रीज कितने प्यारे हैं, कोकोनट ट्रीज है ना। हाँ। अच्छा व्यू है पापा, बीच बीच में तो बहुत सारे कोकोनट ट्रीज ही होते हैं। हाँ। पूछते हैं किसी से, ठीक है? पूछते हैं आरिन। भैया केमिस्ट शॉप होगी आसपास कहीं, मेडिकल स्टोर दवाई लेने के लिए? अच्छा नहीं हो, ठीक है इनसे पूछते हैं। अरे यहाँ तो रोड क्रॉस कर ली, कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं, कौन है यहाँ पे उससे पूछते हैं। चलो तीन वाले अंकल से पूछते हैं, ठीक है बेटा? इधर से पूछेंगे। भैया मेडिकल स्टोर होगा यहाँ आसपास कहीं? क्या ले लें आप दवाई? कौन सी दवाई? अब कैसे, 3-4 दवाई है, रैश फ्री चाहिए, क्रोसिन चाहिए। मेडिकल में जाना पड़ेगा। हाँ राइट साइड पे ही रास्ते पे आता है। अच्छा दो है, थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। कितना लंबा? 1.5 किलोमीटर से। और 1.5 किलोमीटर? ठीक है, थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा दूर हमको और जाना पड़ेगा, बस दूर की तो दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वो मिल जाए हमें। हाँ। क्योंकि अगर मिल ही नहीं है तो फिर आदू का जो फीवर है वापस से आ जाएगा, वो आना शुरू हो गया वो थोड़ा थोड़ा, बट मिल ही जाएगा, हम निकले तो लेके जाएंगे, क्यों आर्यन? हाँ। है ना, गुड। चलो नहीं निकलने वाली आज हरा दिन तो सही है, काफी टाइम हमारे पास, चलेंगे आराम से मजे में। ये कितना पुराना ट्री है व्हाइट कलर का। बीच में रोड ना यहाँ पे, कल भी जब हम आ रहे थे मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस वे से तो आने में टाइम एक्चुअली इसलिए लगा क्योंकि रोड ना पीछे बहुत खराब थी, तो हाईवे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और अचानक गड्ढे आ जा रहे थे। और ऐसे यहाँ पर भी है देखो, राइट साइड में रोड ठीक है
और लेफ्ट साइड में पूरा टूटा हुआ है और बीच में आप देखो वापस से दोबारा से इकट्ठे आ गए। ये थोड़ा सा चक्कर है यहाँ पे, पता नहीं ठीक ही नहीं करते लोग, इसी वजह से इतना टाइम है। नहीं तो अगर जब हम वहां जाते हैं जयपुर, तो जयपुर गुड़गांव से ऑलमोस्ट आई थिंक 278 या 275 किलोमीटर दूर है और वो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। और अभी जो नया बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है उससे तो आई थिंक 3-3.5 में पहुंच जाते हैं, जबकि वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है। तो वही है यार, रोड थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आखिर तो मार्केट का तो आ गया है, यहाँ मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। हम आ रहे हैं, आगे होंगे क्या हम 1.5 किलोमीटर दूर आगे होंगे। चलो पूछते हैं किसी और अंकल से, पूछते हैं ठीक है, इन अंकल से पूछते हैं। पीछे करो या? अंकल बोलो, अंकल बोलो। अंकल यहाँ पे मेडिकल स्टोर होगा कहीं आसपास, केमिस्ट की शॉप या जहाँ दवाई मिलती है? नहीं मुझे को नहीं पता। चले जाना। अच्छा तो सामने एक लोखंड की जाली वाला है उधर मेडिकल। अच्छा दूर है? हाँ उधर भी जाएगा। कितना दूर है? नजदीक ही है एकदम। ठीक है भैया, थैंक यू। ये तो बोल रहा था कि 9 बजे के बाद मिलेगी और होटल्स में लोग बोल रहे थे कि सुबह बेटा आ रही ये बंद कर कट विंडो कि 7 बजे के बाद मिलेगी। तो अगर अभी नहीं मिली तो वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अभी 9 बजने में तो बहुत टाइम है। झुपड़ी तो लगी है, पता नहीं क्या बोल रहा था वो किसके पास है अब पता भी नहीं यहाँ पे कहाँ जगह है। उधर ही साइड में कहाँ है बेटा? बेटा वो कुछ और है, लेफ्ट लेकर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है लेफ्ट लेके पूछते हैं दोबारा से किसी से। मिल गया। मेरे को बोर्ड दिख गया प्लस साइन वाला, यही है ना बेटा? ने यही है। बंद है बेटा, बंद है मेडिकल स्टोर, ये रहा ये दुकान तो बंद है। अब वापस चलते हैं या पूछते हैं किसी और से कि कहीं और मिल जाए, नहीं तो वापस 1-1.5 घंटे बाद आना पड़ेगा। हम एक्चुअली जाए जल्दी निकल गए यार घर से, होटल वाला ने गलत बताया। यहाँ पे देखो एक और मेडिकल स्टोर मिला है, ये भी बंद है। यहाँ पर भी एक मेडिकल स्टोर है, सेवा मेडिकल स्टोर, ये भी बंद है। तो एक्चुअली मार्केट ही बंद है अभी, तो बाद में ही आना पड़ेगा हमको। ये मार्केट कितने बजे खुलता है ये मेडिकल स्टोर? हाँ 9 बजे खुल जाएगा। 9 बजे ठीक है भैया, थैंक यू। चलो भैया 9 बजे आना पड़ेगा अब, तो चलते हैं। चलिए ओके, अभी हमको आप मिले थोड़े बहुत हॉर्स तो फिर हम नजदीक से और चले आ रहे हैं। हाँ पापा, मैंने पहली बार देखा कि व्हाइट और ब्लैक का भी एक हॉर्स होता है। चलो पापा अब हम चलते हैं। चलो तो पापा ने हमको तो पूरा ही हिला दिया। तो फिर अब हम पापा से पूछते हैं ये बापरे ये बाबू को कितने मजा आया हमको हिलाने में। बाबू कितने मजा आया आपको आपको हमको हिलाने में? बहुत मजे आए, बहुत बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं मुझे। आरिन को मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा बाबू। आरिन देख फाइटर प्लेन, चलो लेट्स गो। आरिन की प्लेन है रेडी, परफेक्ट। तो आज मैं पहली बार मिसल पाव ट्राई करूंगा और भैया बताएंगे कि खाता कैसे खाते कैसे हैं इसको। क्या सेव नहीं डाला अपने? वो भी डालना होता है? हाँ। ये तो अभी उसके लिए बनाया, उसी के लिए। कोई मैंने ऐसे ट्राई करता हूँ। अरे तूने खाया है मिसल पाव? ये तो दाल लग रही है ना, ये कोई दाल है क्या इसके अंदर? ये है वो क्या बोलते हैं उसे, कौन सी दाल बोलते हैं मम्मी? पता नहीं आगे बताएंगे एग्जैक्टली क्या है। सही है, कैसा है? फर्स्ट टाइम है ना तुम्हारा भी? अच्छा सही है। स्प्राउट्स बहुत अच्छे। बिरयानी खाने खाया पहले? घर पे बनता है। हां ये तो महाराष्ट्र है पूरी। ये हो गई हमें ना यहाँ पे, रोटी कम ही है यहाँ पे, हर चीज़ सब पाव खाया जाता है। हाँ
पाव भी ना बहुत सॉफ्ट है, बट स्प्राउट्स की दाल बहुत अच्छी है। सो कल शाम जो हम बीच पे गए थे वो बहुत ही रॉकी बीच था और उसका नाम था देव का बीच। तो वहाँ पर एज सच बैठने के लिए ये नहीं है कि आप नीचे जाओ थोड़ा सा वहाँ पे सैंड हो और वहाँ पे आराम से रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है। ऊपर से जो पेमेंट बनाया हुआ था उन्होंने उस पर बस चलने का था। तो इसीलिए अभी हम एक दूसरे बीच जा रहे हैं, उसका नाम मुझे पता नहीं, जंगपुरा या कुछ ऐसा बीच है, तो वहाँ जाएंगे। वो आई थिंक यहाँ से 1 घंटे दूर है कुछ, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके बैठ के आराम से फिर मज़े करेंगे। चला जाएगा,